मोमेंटम एक टाइप की क्वांटिटी है जो कि तब आती है मतलब तब उनको आप डिस्कस करते हैं जब आपके पास एक मूविंग बॉडी हो और उस मूविंग बॉडी की क्या हो कुछ ना कुछ अगर कोई मूविंग बॉडी है तो मूविंग बॉडी का अगर कुछ ना कुछ मास है और अगर वो मूव कर रही है इट इटमीन्स उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो अगर हम उसके मास पर उसकी वेलोसिटी को क्या करा दें डॉट प्रोडक्ट निकाल दें यानी कि उनको प्रोडक्ट कर दे मल्टीप्लाई करा दे तो हमको जो मिलता है जो वैल्यू हमको मिलती है उससे हम बोलते हैं मोमेंटम ओके तो किसी भी एटम के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉन की वजह हमें दो टाइप के मोमेंटम देखने को मिलते हैं ओके और वो मोमेंटम क्या होते हैं? पहला मोमेंटम होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा मोमेंटम होता है आपका स्पिन एंगुलर एंगुलर मोमेंटम कौन कौन से कि क्या होता, है? क्या होता? मैं आपको है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम अर्थ की तरह बिहेव करता है कैसे ये क्या करता है ये क्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है आपके न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में अपने शेल में ओके यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है कि ऐसे ऑर्बिट के चारों ओर आपके न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे करेगा। इट आपका टाइप की चार्ज बॉडी है इसका अपना मास है और ये मूव भी कर रहा है इट मींस इसकी अपनी भी वेलोसिटी होगी यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है इस मोशन की वजह से एक मोमेंटम जनरेट कर सकता है तो अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के मोशन जब एक ऑर्बिट के थ्रू और ऑर्बिट में मूव करता है उस टाइम पर जो मोमेंटम जनरेट करता है उसे हम टर्म देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम यानी कि कि ऐसा momentum, जो कब जनरेट होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो ये वाला मोमेंटम कब आया इलेक्ट्रॉन दो टाइप की मोमेंटम जनरेट करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो मैंने बोला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कब आएगा जब आपका इलेक्ट्रॉन की आप बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक टाइप की चार्ज बॉडी है उसके पास मास है

साथ घूमते अपनी एक्सिस में रिवॉल्व करते करते क्या है ऑर्बिट के यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर भी रिवॉल्व करेगा ओके तो जब वो ऑर्बिट में यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंटम जनरेट करता है उसे तो आप बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बट अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस पर जब मूव कर रहा है मतलब करेगा दोनों जगह तो आपके क्या ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की आपको पता है इलेक्ट्रॉन दोनों में से ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप का मोमेंटम जनरेट करेगा वो दोनों टाइप के मोमेंटम जनरेट करेगा तो हम ऐसा जनरली बोलते हैं कि एक एटम के अंदर जो आपका एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोमेंटम

तो आप उसे कैपिटल रिप्रेजेंट कराते हैं तो एलएस कपलिंग आपको क्या बताती है एलएस कपलिंग आपको यही बताता है कि जब आपका एल यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके साथ कपल करे कपल करना मतलब होता है एड करना ओके okay? एक दूसरे के साथ कंबाइन होना ओके okay? तो हुआ क्या एलएस कपलिंग आपको क्या बताएगी एलएस कपलिंग आपको ये बताएगी कि ये जो आपका एल है यानी कि जब आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके साथ कपल करेगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ कपल करेगा? करेगा क्योंकि ये दोनों मोमेंटम एक ही इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट हो रहे हैं तो इसी कपलिंग को आप क्या बोलते हैं एल एस कपलिंग सिंपल था आसान था और इसको अब दूसरा टर्म भी देते हैं रसल सोनलर कपलिंग क्योंकि ये जो कपलिंग पैटर्न था ये जो कपलिंग फिनोमिना था ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपके दो केमिस्ट रसल एंड सोनलर इन्होंने इनके थ्रू प्रोवाइड किया गया था मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने इनको ऑब्जर्व किया था इसीलिए हम लोग क्या है इस कपलिंग को दूसरा टर्म भी देते हैं रसल सोनलर कपलिंग यदि चीज क्लियर आई अब देखो इसको मैंने बोला की जो एलएस कपलिंग का कॉन्सेप्ट है वो सेम है आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के थ्रू ओके सेम है उसका जैसा क्यों है क्योंकि देखो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में भी तो आपको क्या करना होगा स्पिन और ऑर्बिट की कपल करनी होगी और ये स्पिन और ऑर्बिट क्या है स्पिन मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट orbit मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो आप एलएस कपलिंग में भी सेम काम कराते हैं आप कपल कराते हैं कॉम्बिनेशन कराते हैं किसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग में भी आप क्या कराते हैं आप कपलिंग कराती हैं कॉम्बिनेशन कराती हैं किसका स्पिन स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम मोमेंटम का सॉरी एंगुलर का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इतनी चीज क्लियर आई तो आपने एलिस कपलिंग के अंदर क्या है यही सारी चीजें दिखानी है पहले तो आप थ्योरी वाइज लेके चलेंगे देन हम एक एक्साम्पल के थ्रू एल एस कपलिंग को समझेंगे कि कैसे आप एलेस कपलिंग करवाते हैं तो हमने क्या आज के लेक्चर पर यही चीज डिस्कस करनी है कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आपका है, है, उससे हम करा सकते है, तो फर्स्ट चीज हमारे लिए रह जाती है कि हम कैसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए की निकालेंगे, की निकालेंगे, इतनी चीज क्लियर आई तो आप रफली समझे देन अब हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलरली थ्योरी पे जाके बात कर लेते हैं ओके स्टार्ट करते हैं ओके तो देखो फर्स्ट में ये थ्योरी में आपको यही चीज बोल रहा है कि एलएस कपलिंग इज अ कपलिंग फिनोमिना इन विच अ स्पिन एंगुलर मूवमेंटम ऑफ अ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एड टू फॉर्म अ रिजल्टेंट स्पिन एगुलर मूवमेंटम पहले एक और चीज आप यहां पर सुन लीजिए देखिये अगर मैं बोलूं कि मैं एक ऐसे एटम की बात कर रही हूं जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है मतलब जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम की में बात की या फिर मैं बोलूं मैंने हीलियम आयन रिस्पेक्ट में बात की या फिर लिथियम डबल पॉजिटिव आयन की रिस्पेक्ट में बात की तो इन सारे एटम्स के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर को आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा ओके और अगर आपके एटम के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है इट इटमीन्स वो एक सिंगल स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक सिंगल ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा और ये सिंगल सिंगल है आपने सिंगल तो okay? आप क्या करेंगे अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो आपको पता है ना कि हमारा जो ये एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है चाहे आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो चाहे आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो वो एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट हो रहे हैं अगर आपके एटम में एक इलेक्ट्रॉन है इट मीन आपके पास सिर्फ एक ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा और एक ही आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा ओके okay? लेकिन अगर मैं एक ऐसा एटम ले लू जहां पर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन मैंने तीन इलेक्ट्रॉन दिखाए अब आप क्या करेंगे अब आपको देखने को मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन भी अपना एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट करा और अपना ही एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर ओके सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन का भी तो सेम बिहेवियर होगा ये भी आपके ऑर्बिट में घूमेगा और साथ ही साथ अपनी एक्सिस में घूमेगा जिसकी वजह से ये भी आपको दो टाइप के मोमेंटम देगा एक होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम दूसरा होगा आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर एटम में प्रेजेंट है इसका भी सेम बिहेवियर होगा ये भी अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करेगा और ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा तो एक्सिस में रिवॉल्व करने की वजह से जो आपको

तीसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करूंगी और ओवरऑल मुझे जो स्पिन एंगुलर मिलेगा इन तीनों का वो मेरा क्या होगा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जिसे हम कुछ ऐसे दिखाते हैं ऊपर वेक्टर लगा के ओके तो मैंने तीनों के रिस्पेक्ट में क्या किया एक ओवरऑल एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम निकाला और ये तीनों के रिस्पेक्ट में ही मैं क्या करूंगी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड और इलेक्ट्रॉन थर्ड तीनों के रिस्पेक्ट में ही क्या करूंगी मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालूंगी यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल दूसरे का एल तो तीसरे का एल अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कराऊंगी तो मुझे अगेन क्या मिला रिजल्ट एंगुलर मोमेंटम ओके तो अब मैं क्या कराऊंगी इन तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने रिजल्ट यानी कि कंबाइन करके क्या कर दिया स्पिन एंगुलर मोमेंटम तीनों को कंबाइन करा के मैंने क्या निकाला रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ओके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अब मैं क्या करूंगी अब जाके मैं इन दोनों का कपल कराऊंगी आपको समझ में आया अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है देन आपके पास एक ही S है एक ही एल है आप इन दोनों को कपल कराइए आपको मिल जाएगा आपका कपलिंग जिसे आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay? एल एस कपलिंग के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसे आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उस केस में तो ठीक हो जाएगा लेकिन अगर आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उस, आप, उस केस में आपको क्या करना होगा सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐड कीजिए सारे इलेक्ट्रॉन कीजिए और मोमेंटम और, और इन दोनों के कपलिंग के बाद जो आपको जे मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा रिजल्टेंट मिलेगा इतनी चीज क्लियर आई तो ये चीज आपने माइंड पर रखनी है और डेफिनेशन भी आपको कुछ इसी फॉर्म में लिखाई हुई है ओके तो एक मिनट रुकेगा मैं इनको जस्ट इरेज कर लेती हूँ आपको ये कंफ्यूज ना करें तो एक मिनट रुकेगा ठीक है अब अब हम स्टार्ट कर लेते हैं तो देखो ये क्या बोल रहा है एलएस कपलिंग को आप कैसे तो ये बोल रहा है, इस एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या कराते हैं एड कराते हैं और क्या करते हैं रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम को निकालते हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आपने निकाले आपने सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एड

इस कैपिटल एल के ऊपर लगा देते हैं वेक्टर, जिस जिसको आपको क्या रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है तो आपने जस्ट यहाँ पर को एलएस कपलिंग में क्या करना है सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन एंगुलर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम बनाना है उसके बाद क्या क्या करना है? Then these two angular momentum को आपने क्या करना है? है? को आपने कंबाइन करा देना है आपस में उनको कंबाइन कराएंगे और इसी कॉम्बिनेशन को इसी कपलिंग को आप क्या बोलते हैं एलएस कपलिंग जिससे आप दूसरे टर्म में रेसल सॉनलर कपलिंग भी बोलते हैं आसान था तो वही यहां कि देन उसके बाद आपको आपको क्या करना है ये जो दो दो टाइप के आपकी एंगुलर 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 मोमेंटम 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 मिले कौन-कौन से स्पिन स्पिन और ऑर्बिटल ऑर्बिटल ओके तो आपने इनको आपस में कंबाइन कराया और इनकी कॉम्बिनेशन के बाद बेसिक हो गया आपने क्या कराना इतनी चीज आपके माइंड अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरा कोई एक ऐस, ऐसा आइटम है जिसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है सपोज बोल दिया मैंने बोला एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओके या फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ओके तो उस केस में क्या होगा आप क्या ये सोच सकते हैं कि अगर किसी तर्ण में सपोज इलेक्ट्रॉन है या फिर बीस इलेक्ट्रॉन कितने भी इलेक्ट्रॉन है ओके तो क्या वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपकी एलस कपलिंग में इन्वॉल्व होंगे नहीं ऐसा नहीं होता अगर आपकी जो टेन के टेन या फिर ट्वेंटी कितने भी अगर किसी भी आइटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सारे इलेक्ट्रॉन कभी भी कपलिंग में इन्वॉल्व नहीं होते ओके कपलिंग में कौन Involved होता है है में आपके आपके ही होते होते हैं ओके? Optically active electrons क्या होते हैं अब क्या मतलब मतलब ऐसे जो valence shell पे है, मतलब आपके एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब नहीं है आपके एटम के अंदर valence shell में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको हमने माइंड पर रखना और वो ही आपको कपल इन्वॉल्व होंगे इतनी चीज क्लियर आई तो ये नोट करके मैंने लिखा है इसे आप माइंड पर रखिएगा ओके अब हमने क्या कराना है एलएस कपलिंग को हम शो कराएंगे यानी कि एलएस कपलिंग बोलो या फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोलो दोनों में आपको सेम कॉन्सेप्ट लिखना है ठीक है कोई इश्यू नहीं है एलएस कपलिंग भी सेम चीज बोल रहा है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी आपको सेम चीज बोल रहा है अब मैं आपको एक एग्जांपल के स्टेप वाइज लेके चलती हूँ कि आप एलएस कपलिंग कैसे कराएंगे ओके okay? तो ये बोल रहा है अगर आपने एलएस कपलिंग करानी है ना तो आपको तीन स्टेप्स को फॉलो करने होंगे पहला होगा स्पिन स्पिन कपलिंग दूसरा होगा ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग तीसरा होगा आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ओके अब ये किसके केस में अगर देखो अगर होगा ये अगर आप ध्यान से सुनेगा आपके पास दो केस हो सकते हैं कि अगर आपके पास क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस केस में तो आपको ये तीन स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपको एस की वैल्यू मिलेगी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपको एल की वैल्यू मिलेगी उसे आपने आपस में क्या कर देना है कपल करा देना है ओके लेकिन अगर आपके पास कोई मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यानी कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में आपको ये तीन स्टेप्स को फॉलो करने होंगे क्यों क्योंकि अगर आपके पास सपोज दो इलेक्ट्रॉन है आपके सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो टाइप के आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएंगे और दो टाइप के ही आपके पास क्या आएंगे

तीन स्टेप फॉलो करने होते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्योंकि आपको पता दिया ना मैंने कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में क्या होता है आपके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है बहुत इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारी आपको स्पिन की वैल्यू मिलेगी तो बहुत सारी स्पिन की वैल्यू को आप कैसे ऐड करेंगे तो सबसे बेटर ये है कि पहले आप स्पिन की वैल्यू को ही आपस में ऐड कर लो एल की वैल्यू को ही आपस में ऐड कर दो देन आपको जो रिजल्टेंट वैल्यूज मिलेगी उनको ऐड कर दो तो आपको अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया जाता है तो ये तीन स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं पहला है आपका स्पिन स्पिन कपलिंग स्पिन स्पिन कपलिंग से आपको समझ ना, spin -spin क्या ऐसी में आ रहा है आप किसकी कपल कराते हैं किसका कॉम्बिनेशन कराते हैं स्पिन और स्पिन का स्पिन स्पिन मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ जैसे मैंने आपको बोला ना आपको क्या बनाना है रिजल्टेंट एस बनाना है रिजल्टेंट एस आपको कब मिलेगा जब

स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई और आपने इन सारी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को ऐड कर दिया तो इस टाइप की कपलिंग को आप क्या बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग इतनी चीज समझ में आई तो आपने इन सारी जब आप स्पिन स्पिन कपलिंग कराएंगे तो आपको रिजल्टेंट एस की वैल्यू मिलेगी इतनी चीज आई

आपने जो आपको रिजल्टेंट एस मिला है और रिजल्टेंट एल मिला है इनको अब अगेन आपस में आपस में क्या कराएंगे कंबाइन कराएंगे इनके कॉम्बिनेशन करा के इनकी कपलिंग करा के जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा जिसे आप जे के फॉर्म में लिखते हैं ये होता है जे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो होता है जे जैसे इनको प्रोडक्ट इनको एड करके इनको कपल करके आपको मिला ये इनको कपल करके आपको मिला ये तो इन दोनों को जो आपको इन दोनों के प्रोडक्ट मिले इनको जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है जे तो इससे आप बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यानी कि ऐसी कपलिंग जिसमें कपलिंग कंपोनेंट आपके कौन है एक है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो ये जब आपस में कपल करते हैं तो आपको मिलती है वैल्यू जे और इसी कपलिंग को आप बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग ठीक है coupling, तो आपने एलस कपलिंग में ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ जाना है ठीक है

उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे क्योंकि हम स्पिन स्पिन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास हम लोग क्या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें मैंने बोला ये तीन स्टेप कब फॉलो करेंगे जब आप एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो अगर मैं सोचूं कि मेरे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उस मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ओके और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी स्पिन दिखाएंगे तो अगर मैं उन सारी स्पिन को एड करूंगी तो मैंने क्या बोला ये आपकी जो एस की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी उन स्पिन की मतलब उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यू क्या है ओके तो वही चीज बोल रहा है कि ये जो आपका एस ऐसा ये है आपका क्वांटम नंबर और अगर आपने एस की वैल्यू निकालनी है तो इस एस की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है कि आपने स्पिन की वैल्यू को माइनस से प्लस की ओर लेके चलना है तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ही होगी आपकी एस की वैल्यू इतनी चीज क्लियर है यानी कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी इतनी चीज क्लियर आई तो अभी जो कंफ्यूज मत होइएगा मैं आपको एक्जाम्पल के थ्रू भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ तो हमने एक एक्साम्पल लिया हुआ और इसी एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में हमने स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कराना है ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन कराना है एंड देन लास्टली स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यानी कि एलएस कपलिंग करवानी है ठीक तो है तो एग्जांपल बहुत इजी है एग्जांपल है आपका 2s1 2p1 का एग्जांपल है तो आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल है ना इस एग्जाम्पल पे पहले आप जस्ट देखो यहाँ पर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि ये जो सिस्टम है ये जो एटम है ये आपका टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ओके अब देखो ना यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन आपके कहा प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन तो आपके एस सबसेल में प्रेजेंट है दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पी सबसेल में प्रेजेंट है और ये दोनों सब्सल क्या है ए की शेल से बिलोंग करें क्योंकि दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन की वैल्यू सेम है यानी कि टू है ओके यानी कि दोनों क्या है सेम ही सेमी शेल से बिलोंग कर रहे हैं टू शेल कौन सा होता है एल शेल होता है यानी कि दोनों देखो मैं आपको ऑर्बिट रिप्रेजेंट भी कराती हूँ मतलब okay? तो पहले शेल को आप के शेल बोलते हैं इसके लिए एन की वैल्यू होती है वन दूसरे शेल को आप बोलते हैं एल शेल और इसके लिए एन की वैल्यू होती है टू तो ये दोनों के लिए ये दोनों टू एस वन टू पी वन इनके लिए एन की वैल्यू है टू यानी कि ये दोनों सब शेल कौन से शेल से बिलोंग कर रहे हैं एल शेल से बिलोंग कर रहे हैं ओके तो हमने ये चीज ध्यान पर नहीं रखनी हमने जो

आपका कॉन्फ्रिगेशन है 2s1, 2p1 तो आपको पता है 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू होगी हाफ दूसरे वाले सब्शन में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके लिए भी स्पिन की वैल्यू होगी हाफ ओके तो हमने क्या बोला जो आपकी कैपिटल यानी कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन के लिए जो एस की वैल्यू आई वो किसके इक्वल होगी आपने माइनस एस से प्लस एस में जाना है यानी कि स्पिन की वैल्यू को माइनस से प्लस में ले जाना है अगर आपको यहाँ पर एक ही स्पिन की वैल्यू मिलती है यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो आपको स्पिन की वैल्यू एक ही मिलती जैसे आपको मिलती हाफ तो आप इसे

S2 कर दिया इतनी चीज क्लियर आई तो बस आपने फॉर्मूला कुछ इस टाइप का शिफ्ट करना है तो देखो हमने भी ये किया कि जो आपकी S की वैल्यू है उसको आपने क्या किया पहले माइनस किया दो वैल्यू है आपकी हाफ 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 तो इन दोनों को आपने क्या किया माइनस किया और इनको आप कहां तक ले वैल्यू प्लस, प्लस किया तो जब आप हाफ माइनस हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा जीरो जब हाफ प्लस हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा वन तो एस के लिए जो वैल्यू आई वो दो वैल्यू आई एक आई आपकी जीरो एक आई आपकी वन तो आपको क्या एस की वैल्यू तो निकालनी थी हमने क्या बोला हम लोग कर रहे हैं एल एस का

की वैल्यू को कैपिटल s कहते थे तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l कहते हैं और अगर आप इसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या कर थे s की वैल्यू माइनस -s से प्लस l जा रही थी तो आपकी l की वैल्यू भी कहाँ जाएगी माइनस -l से प्लस l की और जाएगी तो सेम फॉर्मूला है ओके तो आपने भी वही चीज किया अब आपने क्या करना है इस वैल्यू को निकालना है एल की वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यूज आपको निकालनी होगी यानी कि क्वांटम नंबर निकालना होगा अपने इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ओके तो कैसे निकालेंगे तो देखो एग्जांपल हमने वही कॉन्फिगेशन लिया है टू एस वन टू पी वन तो देखो टू एस वन की अगर मैं बात करूँ टू एस वन में जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसके लिए एजीमुथर क्वांटम नंबर क्या होगा कितना आसान है एजीमुथर क्वांटम नंबर आपको क्या बताता था सबसे बताता था तो आप देखो यहाँ पर कौन सा सबसे प्रेजेंट है तो सबसेल आपका कौन सा है ऐसा है यहां आपका है पी तो इनकी वैल्यू देख के ही आपको पता चल जाएगा कि की क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है क्योंकि देखो एजीमोथ क्वांटम नंबर की वैल्यू होल होती है यानी कि वो होलो से स्टार्ट करती है तक ओके तो अगर आपकी वैल्यू हमने बोला था एल की वैल्यू जीरो होती है, तो आपको मिलता है S, अगर जीरो वन होती है तो सबसे मिलता है पी ओके तो हुआ क्या आप देखो यहाँ पर को टू एस वन की बात करो यहाँ पर है आपका सब्शियल एस यानी कि यहां पर को यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए एल की वैल्यू यानी कि एजीमुतुल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी जीरो यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एज़िमूथल क्वांटम नंबर होगा जीरो, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एज़िमूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वन, क्योंकि यहाँ पर को जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो p सबशेल में प्रेजेंट है और p सबशेल के लिए एज़िमूथल क्वांटम नंबर कितना होता है वन, तो यहाँ पर आपको l की वैल्यू मिली 0 यहां पे मिला 1 ओके okay. अब आप क्या करेंगे सेम चीज करेंगे इनको पहले आपने नेगेटिव करना है उसके बाद पॉजिटिव यानी कि इसको अगर मैं l1 बोलूं इसे l2 बोलूं तो आप क्या करेंगे पहले आप करेंगे l1 l2 इसको आप कहां तक लेके जाएंगे एल वन प्लस एल टू तक ओके तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है तो इसको आपसे इससे आपको क्या मिलेगी कैपिटल एल की वैल्यू मिलेगी तो आपने बोला कैपिटल एल इज इक्वल टू पहले आपने एल वन माइनस एल टू किया यानी कि जीरो माइनस वन टू इसको आप कहां से लेंगे एल वन प्लस एल टू यानी कि जीरो प्लस वन ओके उसके बाद देखो जीरो माइनस वन आपका वन ही होगा माइनस वन होता है बट हम इसे वन कर सकते हैं तो ये वन हो गया इससे भी वैल्यू आपको मिली जीरो प्लस वन अगेन वन ओके तो वन वन है यानी कि दो बार लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों वैल्यूज आपकी सेम है तो आप बोलेंगे एल की जो वैल्यू आपको मिली वो मिली वन ओके okay? तो अब आपको एस की वैल्यू भी मिलगी सेम क्वालिफिकेशन के लिए एल की वैल्यू भी मिलगी तो अब हमने एल और एस की वैल्यू को कंबाइन करा देना है कपल करा देना और हमको क्या मिलेगी जे की वैल्यू ओके तो हुआ क्या लास्टली हमारा हमारा मेन पॉइंट पर हम आ गए अब हमने बात की है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग पे ओके okay? तब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग में आपने क्या करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा से यानी कि यहाँ आपने स्पिन की वैल्यू और ऑर्बिटल की वैल्यू यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए जो आपने कैपिटल एस की वैल्यू निकालनी है उसको एड करना है किसके साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से जो आपने एल की वैल्यू निकाली है उसके साथ ओके okay? तो फॉर्मूले पे अगर हम पर्टिकुलरली बात कर ले तो देखो मैंने क्या बोला जब भी आप एस और एल को कंबाइन करते हैं तो आपको मिलता है ओके okay? तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो आप पढ़ते हैं ना वही चीज है यहां पर भी ठीक है तो आपने यहाँ पर लिखा जे वैक्टर किसके इक्वल होगा सेम फॉर्मूला जे जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई यहां जो आपका जे है वो आपका क्वांटम नंबर और जे की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है एल और एस की वैल्यू पे ओके okay? और जे के लिए फॉर्मूला भी आपका सेम होगा ये इन दोनों पे डिपेंड करती है तो इन दोनों की वैल्यू को पहले आपने नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेके जाना है तो हमने क्या लिखा j l s पहले नेगेटिव में फिर l और s को आपने लिखा पॉजिटिव में ओके तो हमने कॉन्फिगरेशन वही लिया है यानी कि 2s1 2p1 इसके लिए देखो हमने आगे निकाला था ना हमने दोबारा नहीं निकालना हमने s की वैल्यू आगे निकाली थी इस कॉन्फिगरेशन के लिए

और ऐसा आपका क्या है पहले आप जीरो लेते चल रहे हैं। तो एल वन माइनस आपने क्या किया जीरो उसके बाद आपने क्या किया टू एल यानी कि वन फिर आपने क्या किया प्लस जीरो तो आपको जे की वैल्यू क्या मिली वन माइनस जीरो से मतलब uh, यानी कि जे की वैल्यू आपकी कितनी आई दो बार 1 है तो तो आप इसे सिंपल कर सकते हैं तो एक बार आपकी जे की वैल्यू आई वन जब आपने एस किसका यूज किया जीरो का यूज किया तो अब आप आपका फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है कि जे इज इको टू क्या हुआ अब आप आपने एल को अगेन वन रखा लेकिन एस की वैल्यू को आपने भी क्या रखा जीरो ना रख के वन रखा तो आपने क्या किया वन माइनस वन उसके बाद क्या होगा टू कहां से कहां तक वन प्लस वन तक इतनी चीज क्लियर आई तो जे इज इक्वल टू वन माइनस वन आ गया आपका जीरो टू आपकी क्या हो गया वन प्लस वन इज इक्वल टू टू यानी कि जे की वैल्यू आपको क्या मिली जीरो और टू मिली तो देख सकते हैं आपको यहां पर आपको यहाँ पर क्या मिला जे की दो वैल्यूज मिली यानी कि जो आपकी कपलिंग की वैल्यू है वो दो टाइप की वैल्यू है एक है आपकी वन एक है आपकी 0 और टू ओके okay? तो ये कपलिंग की वैल्यू आपने निकालनी होती है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग या फिर एलिस कपलिंग की हेल्प से स्पेक्ट्रोस्कोपी टंग वगैरह बनाते हैं बट उसको अभी यहाँ पर आपने डिस्कस नहीं करना ये वही चीज है जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी अभी भी वही यूनिट चल चली ना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्टर एंड मैग्नेटिक प्रॉब्लम Of a metal so, हम भी और की दूसरी वाली इलेक्ट्रॉनिकॉनिक्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिकॉपर्टीशन मेटल कॉम्प्लेक्स दोनों को साथ साथ डिस्कस करें और दोनों में, एक, एक स्पेक्ट्रोस्किक बट दोनों में आपके कॉन्सेप्ट सेम से वहां भी आप एल एसरिक वहां भी इस्ट भी पिक्ट इस तो सेम सेम ही चीज चल रही है ओके तो इतनी चीज क्लियर आई तो यही है आपकी एल कपलिंग इतनी चीज समझे अब देखो ना ये भी चीज आप ध्यान पर रखिएगा कि तो ये जो आपको एल कपलिंग करके जे की वैल्यू मिलती है ना ये जे की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है कोई भी वैल्यू हो सकती है मतलब ये आपकी इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है हाफ इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि हमने क्या बोला जो आपकी जे की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है एल पे भी और एस पे भी और आपको पता है अगर आप एस की वैल्यू निकालेंगे तो एफ की वैल्यू तो आपकी हाफ इंटीजर्स होती है

Bye bye.